हेलो एवरीवन, वेलकम टू रारा। आज मैं एक फेयरनेस क्रीम का रिव्यू करने वाली हूँ जो कि बहुत ही अफोर्डेबल है और इसे आप एवरीडे लगा सकते हैं। एंड दिस इज वाइट टोन सॉफ्ट एंड स्मूथ फेयरनेस क्रीम फॉर एवरीडे। एंड ये ना आपको सन प्रोटेक्शन भी देती है, तो इसे आप डे टाइम में आराम से लगा सकते हैं। 75 रुपीज़ की है और इसकी जो प्रोडक्ट क्वान्टिटी है वो है 25 ग्राम। दोस्तों दिस इज द पैकेजिंग एंड वाइट टोन पाउडर भी आता है, उसका रिव्यू भी आप मेरे चैनल पर चेक कर सकते हैं। अभी मैंने फेस पर अपने कुछ नहीं लगाया है, हल्का सा लिप कलर और ब्राउ पेंसिल का इस्तेमाल किया है। अब मैं इसे आपको अपने फेस पर लगा करके दिखाऊंगी। उससे पहले मैं आपको बता दूं, इसमें पैराबेन है दोस्तों, पैराबेन एंड सिलिका इसके इंग्रेडिएंट में है और इसमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट हैं। और इसको यूज़ करने का सिंपल सा तरीका है, आप अपने हैंड्स पर ले लीजिए फेस वॉश करने के बाद, उसके बाद अप्लाई कर सकते हैं आप। एंड ये आपके स्किन को हाइड्रेट भी करती है। और देखिए ये सारी चीज़ें तो इस पर लिखी थी, लेकिन मैं आपको बताती हूँ कि मैं इसे एवरीडे जब भी जब मॉर्निंग में फेस को वॉश करती हूँ तो तब मैं इसका इस्तेमाल करती हूँ इस क्रीम का। एंड इसका जो टेक्सचर है वो बहुत ही क्रीमी सॉफ्ट एंड लाइट है, ईजीली अब्जॉर्ब हो जाता है। और ये सच है कि इसको फेस पर लगाने के बाद ना चेहरा बिल्कुल भी ऑक्सीडाइज नहीं होता। मेरा तो नहीं होता, मुझे नहीं मालूम जो जो लोग इसको इस्तेमाल करते हैं उनका फेस ऑक्सीडाइज होता है कि नहीं। तो देखिए दिस इज़ द क्रीम और अब मैं इसे यहाँ पर ले रही हूँ और उसके बाद मैं इसे अप्लाई करूँगी अपने पूरे फेस पर। एंड इसको आप सिंपली हाथों से ब्लेंड कर सकते हो और एवरी डे के लिए ये क्रीम जो है वो बुरी नहीं है। आई रियली लाइक दिस। तो इस तरीके से मैं इसे अप्लाई कर रही हूँ और बहुत ही सिंपल तरीके से, जैसे कि कोई भी फेयरनेस क्रीम हम लगाते हैं ऐसे मसाज करके हम अपनी स्किन में ब्लेंड कर सकते हैं। और पता है ये ना ऑल स्किन टाइप है, तो इसको कोई भी लगा सकता है और स्किन तो फेयर होगी ही, आपको सन से भी प्रोटेक्शन मिलेगा। हाँ ये है कि आंखों के आसपास बिल्कुल नहीं लगानी चाहिए कोई भी ऐसा कोई फेयरनेस क्रीम भी, क्योंकि क्या पता ऐसी कौन सी चीज़ हो उसमें जो आंखों में लग जाए और प्रॉब्लम हो जाए। और उसके बाद ना ये थोड़े से मॉइस्ट मैट फॉर्मूला में हो जाती है कन्वर्ट और आपकी स्किन को सुपर सॉफ्ट एंड बहुत ही बढ़िया कर देती है। मैं क्या बोलूँ इसके बारे में, मैट और मैट फॉर्मूला तो है ही इसका, लेकिन ऑयली भी नहीं लगती है। तो इसे ऑयली स्किन वाले भी आराम से लगा सकते हैं, ये देखिए। और चेहरे पे एक अलग सी, एक नेचुरल सी ब्राइटनेस आ जाती है। और अगर आप घर पर रहती हैं तो इसका इस्तेमाल आराम से कर सकती हैं, लेकिन आप कॉलेज जाने के लिए भी इस फेयरनेस क्रीम का इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं जिनको कॉलेज में बीबी या सीसी लगा करके जाना अच्छा लगता है, तो वो लोग इसे रात में इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर वो जितने टाइम घर पर रहते हैं उतने टाइम लगा सकते हैं। और पता है आपको बहुत ही कम क्वान्टिटी इसकी इस्तेमाल होती है एंड फुल फेस पर आप लगा सकते हो। हाँ एक चीज़ है कि आपको नेक पर भी अप्लाई करना चाहिए। और इतनी अफोर्डेबल है ये क्रीम कि मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि अगर आप कोई महंगी हैंड क्रीम नहीं अफोर्ड कर सकते तो आप इसे एज अ हैंड क्रीम भी यूज़ कर सकते हो और इस तरीके से आप अपनी नेक पर भी अप्लाई कर सकते हो इवनली। तो फेस और नेक एंड आपके जो ये कान है सबका कलर बिल्कुल इवन हो जाएगा, बहुत ही बढ़िया। तो ये लग गई है और कहीं से भी बिल्कुल भी एक्सेस नहीं लग रही है एंड इस तरीके से आप देख सकते हो। और एक चीज़ है कि इसी क्रीम पर आप वाइट टोन पाउडर अप्लाई कर सकते हो, लेकिन उसको ना ब्रश से अप्लाई करना चाहिए। तो उसका रिव्यू आप जस्ट इसी वीडियो के बाद देख सकते हैं। और इसी क्रीम पर मैं आपको उस वीडियो में वाइट टोन पाउडर अप्लाई करके दिखाऊंगी। वैसे तो उस पाउडर को आप बेकिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं मेकअप में, लाइक यहाँ पर डार्क सर्कल्स के लिए भी, और वैसे भी नॉर्मली भी आप फेस पर लगा सकते हो। सो दिस इज़ वेरी अफोर्डेबल फेयरनेस क्रीम, हाइड्रेटिंग क्रीम और सन प्रोटेक्शन क्रीम। एंड इसकी पैकेजिंग बड़ी सिंपल है और ये सबसे बेस्ट चीज़ है कि ये ट्रैवल फ्रेंडली है। प्लास्टिक का इसका पाउच टाइप का है, मतलब ट्यूब है, और इसे आप आराम से अपने हैंडबैग में और अपने इवन मीडियम साइज के जो स्लिंग या क्लच होते हैं उनमें आप रख सकते हो।
और रही बात, बहुत सारे सवाल आएंगे कि लड़के लगा सकते हैं या नहीं, या लगा सकते हैं इसे जिन लोगों को अपनी स्किन की केयर करने की बहुत ज़्यादा फिक्र होती है, बट फिर भी मार्केट में बहुत सारे अच्छे सनस्क्रीन एंड फेयरनेस क्रीम हैं बॉयज़ के लिए, सो इसे गर्ल्स ही लगाएं तो बेटर है। एंड जी हाँ, सो मुझे तो इसके बारे में पर्सनली यही कहना है कि मुझे ये अच्छी लगी है, और ज़रूरी नहीं है कि आपको फेयरनेस के लिए या किसी भी किसी स्किन केयर प्रोडक्ट के लिए आप बहुत ज़्यादा पैसे खर्चे। 75 में इट्स वेरी नाइस। और जी हाँ, मैं अगर महंगे प्रोडक्ट भी लगाती हूँ तो अफोर्डेबल प्रोडक्ट भी इस्तेमाल करती हूँ, एंड मैं वो प्रोडक्ट लगाती हूँ जो मुझे अच्छे लगते हैं, जो मेरी स्किन पे सूट करते हैं, एंड जो जो प्रोडक्ट बजट फ्रेंडली होकर के भी अच्छे बजट वाले प्रोडक्ट्स का काम करते हैं। सो अब मुझे नहीं लगता कि मुझे एज सच किसी और क्रीम या पाउडर की ज़रूरत है। इट्स नाइस फॉर एवरी डे। एंड आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, सो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर, सब्सक्राइब टू माई चैनल रारा रारा लाइफ स्टाइल। एंड मैं इस वीडियो में बता दूँ कि मेरे दो अनदर चैनल हैं, आप उन्हें सब्सक्राइब कर सकते हैं, उन पर बहुत ही अलग टाइप की वीडियोज़ आएंगी। एक तो है फेरी द ट्रैवलर, जो कि मेरी डॉटर फेरी हैं, उनकी सारी वीडियोज़ अब मैं सिर्फ एक ही चैनल पर डाला करूँगी। एंड जो मेरा अनदर चैनल है इंडियन यूट्यूबर रारा, मैं सोच रही हूँ कि उस पर व्लॉगिंग स्टार्ट करूँगी, तो उसके लिए मैंने उसे बनाया है, तो उसे आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। पता नहीं कब मैं कौन सी वीडियो अपलोड करूँ, एंड डेफिनेटली आपको वीडियोज़ जो है वो अच्छी मिलेंगी, जेन्युइन। एंड मैं अभी तक अपनी कोई भी वीडियो एडिट करके नहीं डालती हूँ दोस्तों, सो यस, और मेरी कोई वीडियो अभी तक तो स्पॉन्सर नहीं है, सो प्लीज़ आप मुझे फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, एंड दिस इज़ वेरी नाइस, और हाँ, इसे टीनेजर भी यूज़ कर सकते हैं, इट्स गुड। थैंक यू।